भाई सलार मूवी की बजट को लेकर के गलत इन्फॉर्मेशन है जो कि गूगल पे छाया हुआ है, जिसका शिकार मैं भी हो गया। कल इवनिंग को बना दिया वीडियो और बता रहा था कि VFX में मतलब ये सारा खर्च हुआ है, ये हुआ है ATC। ओके तो गाइस ये सारा चीज़ को अभी खंडन करते हुए कोइमोई की तरफ से, कोइमोई एक ऑथराइज फिल्म वेबसाइट है, जैसे बॉलीवुड हंगामा होता है बिल्कुल वैसा ही एक है। तो वहां पे हमें ऑफिशियल तरीके से हम मान सकते हैं इसे कि पता चल चुका है कि बजट कितना है, और वो सिर्फ और सिर्फ सलार का नहीं, सारे के सारे फिल्मों का बजट पता बता दिया है अभी के दिसंबर के महीने में बॉलीवुड की तरफ से, इंडियन सिनेमा की तरफ से कितना कितने कितने करोड़ की बजट जो है दाव पे लग रहा है बोल करके, और वो है 525 करोड़, वो भी चार चार फिल्मों के साथ, जैसे कि शाम बहादुर हो गया, एनिमल हो गया, सलार हो गया और डंकी मूवी हो गया। तो ये चारों फिल्मों के बजट को मिला करके 525 करोड़ का एक बजट बनता है, मेगा बजट बनता है, जो कि दाव पे लग रही है इंडियन सिनेमा की तरफ से, बॉलीवुड की तरफ से। ओके, तो ये सारे फिल्मों की बजट जो है वो बारीकी से बताया है वहां पे, जो कि 400 करोड़ तो सवार का नहीं है भाई। ओके, 400 करोड़ बिल्कुल नहीं है, पहले जो हम जानते थे वही है। तो हम मैं पहले आपको यहां पे बता देना चाहूंगा कि कौन सी फिल्म का बजट कितना है, क्या है, और उसके बाद एंड ऑफ दिस वीडियो में आपको एक धमाकेदार वाला अपडेट दूंगा सवार मूवी को लेकर के खास तौर पे। ओके, अभी यार सवार मूवी का कहर ही है, बहुत ही सारा अपडेट आ रहा है, मतलब बार बार करके एक एक करके आता ही जा रहा है, आता ही जा रहा है। एक वीडियो बनाओगे तो फिर एक घंटे के बाद फिर एक अपडेट आ जा रहा है, खतरनाक है भाई इतना सारा चीज। ओके, ये लोग चुप थे ना इसलिए अभी उभर के आ रहा है बहुत सारा। तो गाइस देखो, शाम बहादुर पहले रिलीज हो रहा है, तो शाम बहादुर का यही कुछ 55 करोड़ तक का बजट होगा। ओके, 55 करोड़ तक का बजट होगा। एनिमल की जहां तक बात है, एनिमल मूवी का हम सभी को पता है, मैं पहले से आपको बता दिया हूँ, 100 करोड़। ओके, 100 करोड़ है बजट एनिमल मूवी की। ओके, डंकी मूवी का जहां तक बात है, डंकी मूवी को भी लेकर के एकदम से गलत इन्फॉर्मेशन छाया हुआ है गूगल पे, जो कि 80-85 करोड़ बताया जाता है, वो नहीं है, 120 करोड़ तक का बजट होगा डंकी मूवी का, अभी कोई मूवी की तरफ से एकदम से क्लियरली मेंशन हुआ है। सलार मूवी का यही कुछ 250 करोड़ के अंदर बताया जा रहा है। ओके, 250 करोड़ के अंदर तक का बजट है सलार मूवी का, 250 करोड़ हम कह सकते हैं, 250 करोड़ है सलार का, डंकी का है 120 करोड़, एनिमल का है 100 करोड़ और शाम बहादुर मूवी जो है उसका है 55 करोड़। ओके, और ये सारा कुछ मिलाकर के यही कुछ 525 करोड़ तक का दाव लगा है इंडियन सिनेमा की तरफ से दिसंबर के महीने में स्पेशली। ओके, देखते हैं कौन कितना खींचता है। अब यार इसका अगर हम एडवांस बुकिंग के बारे में थोड़ा सा बात कर ले तो सभी का ठीक है, शाम बहादुर का थोड़ा सा धीमा है, डंकी का तो पता ही नहीं है, मतलब कुछ भी मतलब अपडेट नहीं आ रहा है एडवांस बुकिंग को लेकर के, यूएसए में कितना चल रहा है, कहाँ पे कितना चल रहा है, ओवरसीज का ही खुला है अभी, इंडिया का तो बिल्कुल नहीं, तो कुछ भी पता नहीं चल रहा है। जहां तक बात होती है सलार और एनिमल की, एनिमल एकदम से दौड़ रहा है, सलार एकदम से उड़ रहा है एडवांस बुकिंग के हिसाब से। तो ये दोनों फिल्म एकदम से बहुत ही ज्यादा एक्टिव है अभी, लेकिन शाम बहादुर फिल्म के लिए मैं बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ। ये फिल्म मैं जब देखूंगा तभी मैं इसके बारे में अच्छे से बात करूंगा, एक्चुअली मैं ये सोच करके रखा हूँ दोस्त। इसलिए मुझे बहुत सारा कंप्लेन आता है, बहुत सारे कमेंट आता है कि भाई शाम बहादुर के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहे, वीडियो क्यों नहीं। भाई ये फिल्म ना विकी कौशल एकदम से बहुत ही ज्यादा खतरनाक तरीके का किरदार निभाए हैं, जो मैं फिल्म बनाने के बाद जो मुंह से निकलेगा, जो मैं बोलूंगा, वो होगा एक्चुअली मेरा फ्रेश रिव्यू इसके लिए। ओके, तो इसलिए मैं वेट किया हूँ इसको, 1 दिसंबर, बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ शाम बहादुर के लिए, और एनिमल तो बता चुका हूँ इसके बारे में। अगर चलो अभी हम बात करते हैं सलार मूवी को लेकर के, जो अभी लेटेस्ट अपडेट मेरे पास पहुंचा है उसके बारे में। तो भाई टेक्सास एक स्टेट है, टेक्सास एक स्टेट है यूएसए कंट्री का। ओके, यूएसए का टेक्सास एक स्टेट है। मैं आपको यूएसए की एडवांस बुकिंग के बारे में सुबह सुबह बता रहा था कि प्री सेल्स ये कुछ हो चुका है $244K। ओके, $244K तक का यूएसए कंट्री में हुआ है। वहां से टेक्सास जो स्टेट है यूएसए का, टेक्सास में सिर्फ और सिर्फ टेक्सास में $100K हो चुका है। 100K होते हैं टेक्सास, कितना जबरदस्त सलार मानिया है आप जरा सोचो, सलार मानिया, प्रभास मानिया है जरा सोचो, टेक्सास। ओके, जबरदस्त जबरदस्त एक स्टेट है जो कि सिर्फ सिर्फ एक ही स्टेट में $100K तक का एडवांस बुकिंग हो चुका है बिफोर 24 डेज। कमाल है भाई साहब। और एक धमाकेदार अपडेट ये आया है कि भाई साहब इंग्लिश में भी, मतलब फिल्म का इंग्लिश वर्सन भी सेम डे पे रिलीज हो रही है। या इससे खतरनाक अपडेट और क्या हो सकता है। सलार का जो इंग्लिश वर्सन में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, इंग्लिश में डब किया जा रहा है, भाई साहब सेम डे पे फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, मतलब जैसे 5 लैंग्वेज में रिलीज हो रहा है ना इंडिया के, 5 लैंग्वेज में, तेलुगु, तमिल, हिंदी, कन्नड़, मलयालम। ओके, कन्नड़ और मलयालम, सॉरी। तो इनके साथ 22 दिसंबर को इंग्लिश वर्सन में भी फिल्म को रिलीज किया जा रहा है, और उसके साथ साथ स्पेनिश में भी और भी कई सारे लैंग्वेज में भी फिल्म को डब किया जाएगा, और चाइना में भी फिल्म को रिलीज करने की योजना बना रहे हैं।
तो भाई साहब क्या खतरनाक ये होने वाला है, वर्ल्ड वाइड किस तरह के कलेक्शन करेगा, और चाइना में अगर एक्टिव हो गया ये फिल्म तो क्या छापेगा रे भाई, बहुत जबरदस्ती होने वाला है। तो बहुत बड़ी अपडेट यहाँ पे ये है कि इंग्लिश वर्सन में भी सेम टू सेम, मतलब बिल्कुल हमाले फिल्म कांतारा के जैसा हमें अपना इंग्लिश का जैसे अपडेट दे दिया ना, बिल्कुल वैसा ही सलार का भी खेल है कि सलार का भी इंग्लिश वर्सन सेम डे पे रिलीज होगा, हो ना हो इसका इंग्लिश वर्सन का ट्रेलर भी आ जाए, जो ऑडियो का जो सेटिंग होगा ना वहां पे इंग्लिश लैंग्वेज भी हो सकता है, कुछ ऐसा अपडेट अभी देखने को मिला है। जब इसके बारे में और भी ज्यादा अमल वाली बातें मुझे पता चलेंगी तो इसके ऊपर एक स्पेशली मैं वीडियो बनाऊंगा जरूर, और उसके साथ साथ आपको मैं इंग्लिश वर्सन में, मतलब इंग्लिश वर्सन में ट्रेलर आ रहा है नहीं आ रहा है उसके बारे में मैं आपको एकदम से क्लियर तरीके से आपको मैं बताऊंगा। ओके, अभी तक बस ये अपडेट है कि इंग्लिश वर्सन में फिल्म को रिलीज किया जा रहा है और सेम डे पे रिलीज किया जा रहा है 22 दिसंबर को, मतलब सारे के सारे लैंग्वेज में सेम डे पे रिलीज किया जाए, बाद में इंग्लिश में नहीं, एकदम से सेम डे पे होगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे।